हेलो गाइज, नमस्कार सभी साथियों को और हमारे सब्सक्राइबर लोगों को। मैं आप लोगों को आज बहेड़ा पार्क घुमाने वाले हैं और देखते रहना फ्रेंड। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक का बटन है जरूर से ठोक दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बहेड़ा पार्क। देखो नेशनल हाईवे पे देखो, ये देखो कैमरा में देखा रहे, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ गया है, गर्मी लग रही, बहुत तेज धूप है और गाड़ी राजा तेरो कालो पड़ी गयो रंग राते ते नटी रखो चलाई वे में हाय भैया। ए जेठा जी थानी मेरे जन्म के स्याने देखिए गाइज, हम आ चुके हैं बहेड़ा पार्क, क्योंकि जो सरकारी पार्क है प्राइवेट, ये कि प्राइमरी स्कूल है, वही के पास में सरकारी पार्क बना हुआ है। देखते रहना फ्रेंड, काफ़ी अच्छा पार्क है, इसके नज़ारे देखो। ये दोस्तों है महिवा वाला नेस्ट वाला जो ब्रिज है, इस ब्रिज से इधर को जाना है। देखिए गाइस, ये बहेड़ा का पार्क है, ये हमारा दोस्त खड़ा हुआ है सामने, ये भी दिखाई दे रहा है, इसके पास में चलते हैं और इस को देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए गाइस कितना काफ़ी पानी भरा है, गहरा है, इसमें खाके किसी ने कचरा डाल दिया है। बैक कैमरे से दिखाते हैं फ्रेंड आपको। देखिए गाइस, इसमें अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और कुछ नहीं पानी के अलावा, ये काफ़ी गहरा है, ये 10 फुट गहरा है, ये काफ़ी डिजाइन से अच्छा बनाया गया है, झूले वूले वगैरह लगे हुए हैं, उधर जिम करने के लिए लगे हैं, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं। चलिए गाइस, हम भी झूला झूले दिखाते हैं, ये दोस्त हमारे झूला झूल रहे हैं, चलिए। देखिए गाइस, ये हमारा दोस्त है झूला झूल रहे हैं, थोड़ी तेज और थोड़ी तेज, वाओ गाइस, ये देखो हम भी बैठ गए झूले पे, अब हमारी देखो हम भी झूल रहे हैं। अपने हाथ से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ और देखते रहना, आज तो काफ़ी अच्छा कैमरा आ रहा है, काफ़ी अच्छी वीडियो शूट हो रही है। देखिए गाइस, वाओ कितनी तेज, वाओ देखो गाइस,
फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बंद दबा दो, वीडियो बंद कर दो। कैमरामैन वीडियो बंद कर दो। और यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं जिम करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्क में, दूसरा पार्क है जो उसी पार्क में चलने वाले हैं। बेड़ा का पार्क बहुत ही फेमस माना जाता है, यहाँ का बेड़ा का नाम छाया हुआ है, वहीं चलते हैं। अभी तो प्राइमरी स्कूल के पास में थे, सरकारी पार्क था ये। देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं सेकंड पार्क में, दूसरे पार्क जो कि यहाँ का नाम छाया हुआ है। अब आप पार्क के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। अब आप लोग अंदर का नज़ारा देखो फ्रेंड, अंदर का नज़ारा कैसा है, काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है। आपको और दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ का काफ़ी अच्छा माहौल है। अब हम दोस्तों आपको वो दिखाने वाले हैं यहाँ पे आसपास का नज़ारा, किस किस चीज़ के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। नींबू का पौधा है ये, नाम भी है, और ये चीकू का पौधा है। चीकू देखो गाइज, चीकू लिखा है, चीकू का पौधा देखा है आपने, ये है देखिए गाइज चीकू का पौधा। धूप की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, चीकू का पौधा है ये। देखिए गाइज, ये अखरोट का पौधा है जो कि सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये अखरोट का पौधा है। और देखिए फ्रेंड, ये संतरा का पौधा है, आपको ये दिखाई दे रहा है संतरे का पौधा। और देखिए गाइज, ये अनार का पौधा है, आपको हम अनार का पौधा दिखाने वाले हैं। ये अनार भी लगे हुए हैं इसमें छोटे छोटे, आपको नज़र आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, इसमें अनार भी लगे हैं छोटे छोटे गोल गोल प्रकार के। ये है दोस्तों चंदन का पौधा जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है चंदन का पौधा, पत्ती कुछ इस प्रकार की होती हैं। आपने चंदन का पौधा देखा है कभी कि नहीं देखा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों शरीफ का पौधा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, शरीफ नाम भी लिखे हैं इसकी वजह से हम पढ़ पढ़ के बताते जा रहे हैं आपको। ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है लाल चंदन का पौधा है ये, जो कि बाँस के पेड़ में बंधा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है नीचे भी है। ये जो दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है मलाई एप्पल का पौधा है, ये मलाई एप्पल का पौधा है ये, जिसे नाम भी पड़ा है। ये दोस्तों रहा कीनू का पौधा, ये दोस्तों चेरी का पौधा है आपने देखा है। और ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो नौनी की बेल है जो कि नीचे दिखाई दे रही है इस नाम के नीचे। ये दोस्तों नाशपाती का पौधा है जो कि बांस के पेड़े में बंधा हुआ है। ये दोस्तों आलू बुखारा का पेड़ है जो कि आपको दिखा रहे हैं हम। ये दोस्तों आम का पौधा है, ये मरुआ का पौधा है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों लैला मजनू का पौधा है इसके पास में, बहुत छोटा है लैला मजनू का पौधा है ये। और ये शरीफा, शरीफा का पौधा है आपको दिखाई दे रहा है ये। ये देख सकते हो जो इसके ऊपर बेल पौड़ी हुई है, इस बेल का नाम है राखी बेल। ये देख सकते हो गाइज, वाओ, मैंने तो ये पौधा का नाम कभी नहीं सुना, इसका देखो काला आम, वाह गाइज काला आम। इसकी पत्ती भी देखो, पत्ती भी दो प्रकार की हैं, एक तो लाल वो काले प्रकार की पत्ती और हरे प्रकार की। काला आम आपने कभी खाया है दोस्तों? और लगे हुए देखे हैं आपने? अभी तो फ़िलहाल इसमें लगे हुए नहीं है, अभी आम की फसल नहीं है,
ये दोस्तों मैंगलोलिया का पौधा है, ये देख सकते हो दोस्तों कटार का पौधा है। वाओ गाइज, मैंने तो केवी का पौधा कभी नहीं देखा। केवी का फल 50 रुपए का एक आता है और 40 रुपए का भी आता है। केवी का पौधा देखो फ्रेंड, केवी का पौधा आपने देखा है कभी? तो आज देख लेना केवी का पौधा। और दोस्तों आप रात के समय आओगे तो उजीत तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ झल्लर वगैरह लगी हैं, लाइट भी वगैरह लगी हैं। इस खम्भे के ऊपर देखो लाइट भी वगैरह लगी हैं, रात के समय आ सकते हो आप। ये दोस्तों लक्ष्मण फल है, लक्ष्मण फल का पौधा है फ्रेंड, आपने देखा है कभी? नहीं देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों चकोतरा का पौधा है, काफ़ी छोटा है, हाइट में हमारे 7 फुट का है और इसमें काफ़ी बड़े फल लगे हुए हैं। बेलुआ का, जैसे कि बेलुआ होता है उसे ही हुए हैं फल। इस फल को मैंने कभी खाया नहीं है तो इसमें लगे हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं, काफ़ी बड़े हैं। इसमें दोस्तों नए नए प्रकार के पौधा देखने को मिलेंगे, मैंने कभी भी नहीं देखा है फ्रेंड। राम फूटन का पौधा है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है पौधा सुपारी का पौधा है। सुपारी का पौधा आपको दिखा देते हैं, ये सीधा आप लंबा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, सुपारी का पौधा है ये, ऊपर दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों बादाम का पौधा है, ये देख सकते हो फ्रेंड मौसम्मी का पौधा है, इसमें अभी लगी हुई नहीं है, काफ़ी छोटा है। ये देख सकते हो आड़ू का पौधा है सामने। ये देखो अलवल का पौधा है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। और ये देखो सेब का पौधा है, सामने दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो काजू का पौधा है जो कि बहुत छोटा है। ये देख सकते हो रुद्रास का पौधा है। ये देख सकते हो हरिया का पौधा है। ये आप देख सकते हो किसका पौधा है, कपास। इसमें रुई निकलती है, रुई का पौधा है। आपको इसमें फल भी दिखा देते हैं, इस प्रकार के फल लगे हुए हैं, इसमें फूल भी लगे हुए हैं, अभी इसमें रुई नहीं हो पर पाई है। चेरी का पौधा है दोस्तों ये। ये दोस्तों सिंगापुरी चेरी का पौधा है, इसमें देखो ऊपर चिड़ियों के लिए घोंसला लगाया गया है, इसमें दाने भरे हुए हैं, गेहूं चावल बाजरा मिक्स है इसमें दिखाई दे रहा है। सौफनट ये किसका पौधा है? ये दोस्तों ककरौंदा का पौधा है। ये दोस्तों इमली का पौधा है। ये दोस्तों धतूरा है, धतूरे को अगर खा लिया जाए तो पागल बन सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों गरम मसाले का पौधा है, इसमें गरम मसाले के पत्ते लगे हुए हैं, ये देखो इसकी जड़ पत्ती लकड़ी सब कुछ खा सकते हो। और आप अंदर का नज़ारा देखो पार्क का, यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, कितने मस्त हैं, यहाँ का कितना अच्छा माहौल है, अभी यहाँ झूला झूलते हैं। अब आप लोग देख सकते हो अंदर का नज़ारा कितना अच्छा है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है पार्क यहाँ। यहाँ इसमें फुब्बारा वगैरह लगे हुए हैं, फुब्बारा अभी चलता है, अभी बंद है फिलहाल, पानी भरा हुआ है इसमें काफ़ी। और इसके आसपास फुलवारी भी लगाई गई है, बैठने के लिए स्टूल वगैरह रखे हुए हैं। चलिए गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंकित पाल के एक्सपेरिमेंट को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को जल्दी एक प्यारा सा लाइक कर दो। और हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो की तरफ, हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चलिए हम कैंटीन में चलते हैं और वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आपको खाना हो तो आ जाइए फ्रेंड, अभी आने वाला है नाश्ता पानी, अगर आपको भी कुछ खाना हो तो आ सकते हैं। ये दोस्तों हम आ चुके हैं कैंटीन में, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, अभी कुछ आ रहा है नाश्ता पानी।